नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के महाराज पूर्व विधानसभा विधायक नीरज विनोद दीक्षित का विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा महाराजपुर 48 के विधायक नीरज विनोद दीक्षित ने विद्युत विभाग की अनियमितताओं व ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली न मिलने पर कांग्रेस पार्टी के साथ आज नौगांव तहसील प्रांगण में धरना किया। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित तहसील कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। विधायक दीक्षित विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के आने पर धरने से उठे, चूंकि इस दौरान चेतावनी भी दी कि यदि एक घंटे तक वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचे तो करेंगे चक्का जाम। धरना स्थल पर एक घंटे बाद पहुंचे विद्युत विभाग के डीई पाठक एवं अन्य अधिकारी धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक नीरज विनोद दीक्षित के साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष शिवानंद तिवारी, राहुल साहू, चिंटू बाबू, नरेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव गगन यादव, विष्णु स्वरूप नायक, छुट्टन मंसूरी, अज्जू तिवारी, शिवम यादव, अल्लू अलीम खान, सुशील रैकवार, रवि रैकवार, पुष्पेंद्र रैकवार, सोनू मंसूरी, नत्थू यादव, रविन्द्र यादव इत्यादि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। तहसील रिपोर्टर चिरंजीव हिरवार की रिपोर्ट।